नमस्ते राधे राधे फ्रेंड्स, मैं ज्योति अपने चैनल सीजी ब्लॉग ज्योति में आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, केवल दो दिन रह गए हैं हमारे गुरुजी प्रदीप मिश्रा जी के जो कथा होने वाला है तिल्दा नेवरा में, तो वो सिर्फ दो दिन बचे हैं कावन शिव महापुराण के लिए। तो मन बहुत ही ज़्यादा खुश है, बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि हमारे घर के मतलब बहुत पास में ही है, बहुत ज़्यादा पास में है तिल्दा, तो बहुत ही ज़्यादा खुशी हो रही है। तो जो भी आसपास के लोग होंगे, यहाँ पर जो रहते होंगे, जिन लोग आसानी से आ जा सकते हैं, तो उन लोग मतलब ज़रूर आइएगा कथा सुनने की फ्रेंड्स। और तो आप लोगों ने देखा फ्रेंड्स, महाकाल जी का स्वरूप बना हुआ है और 12 ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं सजावट में, तो बहुत ही सुंदर और बहुत ही ज़्यादा आकर्षक लग रहा है। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को ये बताए बिना रह नहीं पाई और दिखाए बिना रह नहीं पाई। जैसे ही मेरे पास मतलब फ़ोटो आई तो आप लोग देखे होंगे, तो मैं जो जितने भी लोग हैं, जिन लोग आसपास के रहने वाले होंगे, उन लोग ज़रूर आइएगा फ्रेंड्स कथा सुनने के लिए। मैं भी ज़रूर जाऊंगी, अब ज़रूर जाऊंगी नहीं कह सकती क्योंकि अभी हरसू छोटा है और वहां पे बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो जा पाऊं या ना जा पाऊं ये तो भोलेनाथ की इच्छा है, लेकिन घर में ज़रूर सुनूंगी। और अभी फ़िलहाल मैं आई हूँ अपने मम्मी के यहाँ, क्योंकि आज संडे है और हर्षू के पापा को कहीं जाना था काम से बाहर, तो इसलिए उन्होंने आज मुझे यहाँ छोड़ दिया है। तो हर्षू अभी सोया हुआ है और मैं अपनी मम्मी के यहाँ हूँ। तो मेरी मम्मी के यहाँ बहुत सुंदर सुंदर गमले लगे हुए हैं, और ये देखो समी का पेड़, समी का वृक्ष कहते हैं भोलेनाथ में, बहुत मतलब बहुत चढ़ता है और बहुत ज़्यादा पुण्य मिलता है समी मतलब पत्ता चढ़ाने से। तो मम्मी यहाँ का मैं जो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैं बैक कैमरा से आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये मम्मी यहाँ का समी वृक्ष है जो गमले में लगा है, और कितना ही खूबसूरत लगा है आप लोग देख सकते हैं, एकदम हरा भरा और मतलब बहुत अच्छे से पूरा गमला भर गया है। जब हम लोग इसको लगाए थे ना, जब ये समी वृक्ष को हम लोग लगाए थे, कैमरा इधर कर लेती हूँ, तो देखिए फ्रेंड्स, तो मतलब खुशी इसलिए होती है, जब हम लोग इसको लगाए थे ये वाले मतलब समी वृक्ष को, तो मतलब सिर्फ एक ऐसा डंगाली था, सिर्फ एक ऐसे पौधा था, तो हम लोग उसी को लगाए थे, और देखिए आज पूरा गमला भर गया है, तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। और ये मम्मी कुछ गमले लगाई हैं, देखो और ये पता नहीं ये भी समी पत्ता है क्या, ये देखिए मैं आप लोगों को नज़दीक से दिखाती हूँ जूम करके, आप लोग बताइए कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये किस चीज़ का पेड़ है। तो फ्रेंड्स, आज मैं मम्मी यहाँ आई हूँ, तो आज मैं सोच रही हूँ कि आज मैं व्लॉग ना बनाऊँ पूरी तरह से, सिर्फ यहाँ इंजॉय करूँ और मम्मी पापा लोग के साथ टाइम स्पेंड करूँ, लेकिन फिर भी मेरा मन नहीं माना, मेरे को लगा आप लोगों से थोड़ी बातचीत करनी चाहिए, इसलिए मैं थोड़ी सी आप लोगों के साथ बात करने आ गई। और मैं अभी छत में हूँ और मैं यहाँ से आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखाती हूँ, जो छत में आने के बाद यहाँ पर का व्यू बहुत ज़्यादा सुंदर दिखता है, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, वाओ, बहुत ही सुंदर व्यू है यहाँ पर से, उम्मीद है आप लोग को भी अच्छा लगेगा। आप लोग सोच रहे होंगे ज्योति ये क्या दिखा रही है करके, बट मुझे जो भी चीज़ें अच्छी लगती है ना, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि आप लोग भी देखे करके। तो ये देखिए फ्रेंड्स, कितना सुंदर हरा भरा दिख रहा है पूरा, तो मैं इसका दृश्य आप लोगों को दिखाना चाहती थी, तो आप लोग देखिए। वो ये केला का पेड़ है, ये तुलसी माता, हर्षु, और ऐसे वैसे करते करते शाम के बज चुके हैं 5:30 कुछ हो रहा है समय, और यहाँ पे हम लोग सारे लोग चाय का मजा ले रहे हैं। तो ये किराए वाली दीदी है, ये मेरी मामी है, और
रही है मेरी मम्मी है, आप लोगों ने देखा ही होगा। और यहाँ पे बच्चे सारे खेल रहे थे, हर्षू और हर्षू की मौसी, तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही अच्छा लगा। वैसे नॉर्मली यहाँ पे मतलब गर्मी के दिन में धूप रहता है, बारिश के टाइम पे बारिश होते रहता है, पर आज शाम का मौसम बहुत ही अच्छा था, तो इसलिए सारे लोग वहीं पे ही बैठ के गप्पे मार रहे थे और बहुत देर तक गप्पे मारे। कम से कम 5 बजे से बैठे थे, तो 7 बजे तक बैठे थे हम लोग, और यहाँ पे चाय नाश्ता हम लोग कर रहे थे। आज का आप लोगों को ये छोटा सा व्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और जो जो लोग यहाँ तिल्दा नेवरा में होने वाला है कांवड़ शिव महापुराण, सिर्फ 2 दिन बचे हुए हैं, तो जो जो लोग यहाँ पर आसपास होंगे, अगर आप लोगों के रिश्तेदार आसपास रहते होंगे, तो जरूर आइएगा शिव महापुराण सुनने के लिए। क्योंकि मेरी तो बहुत आस्था है कि मतलब सभी की मनोकामना पूरी होती है, भगवान भोलेनाथ आप सभी की मनोकामना पूरी करे, तो आप सभी जरूर आइएगा फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अभी के लिए राधे राधे।